Hi guys, this is Wannabe Star Kid, मैं हूँ अमर। So, साहिबा का पार्ट टू का रिएक्शन कर रहा हूँ भाई। पहला गाना कितना ब्यूटीफुल क्यूट, एंड मैंने मतलब देखो एक्सपेक्ट तो मैंने किया था कि अच्छा होगा, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज्यादा अच्छा गाना निकला। एंड जब मैंने उसके बाद देखा कि टू बी कंटिन्यूड है, मैंने कहा भाई अभी तो ऑब्वियसली करूंगा, बिकॉज आप लोग तो मुझे बोलो कि टू सेकंड पार्ट करो। आप लोग के बोलने से पहले रिकॉर्डिंग पे बैठ गया भाई, मुझे पता है कि पार्ट वन पे ऑलरेडी आ जाएंगे, सेकंड पार्ट पे करो। बट बहुत प्यारा गाना, सब देखते हैं भाई क्या होता है इस गाने में। लड़की को कैंसर होता है और एंड में वो लड़का कौन था, भाई होगा दोस्त होगा मुझे नहीं पता, तो उसको लगा कि वो चीट वीट कर रही है, तो वो अपनी एंगेजमेंट रिंग छोड़ के चला गया था। अब देखते हैं गाना कैसे कंटिन्यू होता है, पहले तो वीडियो देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। ओके हैं? अबे हैं? ये व्हीलचेयर पे कैसे आ गया? अबे कैंसर तो लड़की को है ये, और ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहा है, पागल हो गया क्या भाई? सच में ये प्यार ना पागल बना देता है, लड़के पागल होते हैं, लड़कियों को तो कोई और मिल जाता है यार। क्या एक्टिंग कर रहा है भाई, को फिर से हो सुकू कुछ ऐसा तुम कह जाओ ना, तेरे नाम के सजदे किए अब तो तू मेरे नाम हो सैलाब तेरी। भाई एक बात बोलूं, बीइंग अ व्लॉगर ही इज नॉट एन एक्टर, ये इज अ व्लॉगर, लेकिन जो ये एक्सप्रेशंस दिए ना दोनों गानों में, ही इज एक्चुअली अ गुड एक्टर, बिकॉज बहुत प्योर और जेन्यून रिएक्शन दे रहा है, बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, लगता है कि हाँ आर्टिफिशियली कर रहा है, फोर्सफुली कर रहा है, डायरेक्टर करवा रहा है, ये दिल से कर रहा है। वाह भाई हैट्स ऑफ भाई, ये दोनों भाई मल्टी टैलेंटेड है, कलम इंक एंड UK07 अनुराग है ना इसका नाम, कलम इंक का असली नाम बता देना क्या है वो, अभी तक मुझे कलम इंक का असली नाम नहीं पता चला। गए हो दिल से दफा तुम कि मेरी चाहत हुई है यूं फना, रह गई बेबसी है अब तो ख्वाहिश यही है हो मुकम्मल तेरी मेरी दास्तां साहिबा। क्या लिखा है उसमें, अरे यार एक तो पढ़ने भी नहीं देते, इतना जल्दी कैमरा घुमा देते हैं। इफ यू फाइंड दिस अच्छा ओके अच्छा, अब जाके उसको पता चला कि उसको कैंसर है, अरे भाई साहब इतना टाइम के बाद। पागल हो गया हो मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बोला था ये इंडिया में शूट नहीं किया है, दुबई में किया है, अब कंफर्म हो गया ये दुबई में किया है, बिकॉज अभी रिसेंटली मैं भी गया था तो मुझे यहाँ की स्ट्रीट फ्रीट थोड़ी सी सिमिलर लगी थी, और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है तो देख लो भाई वही है, दुबई है। सड़क पे आ गया, अबे क्या बीमार वो थी भाई कैंसर, अबे भाई क्या ऐसा ना हो, ये सब नहीं होना चाहिए, बीमारियां नहीं लगनी चाहिए किसी को भाई, आई होप ये ठीक रहता ना। मैं छीन लूंगा
उस जहां से इस जहां में तुझको मैं सांसें अपनी बेच जान धड़कने तू तुझको तेरे बाद मैंने सोचा मेरा कल नहीं है जिस्म होते दूर पर जहन में है तू हर घड़ी तू आखरी है प्यार तू ही आखरी तलब रही बने हम एक दूसरे के लिए तो होना दूर क्यों सवार दे तू मुझको मेरा माथा आके चूम यूं सियाह मेरी जिंदगी में भर ले थोड़ा नूर तू बादल बेरंग तू रंग जा साहिबा इस दर्द की तू ही शिफा अरे भाई साहब ये मेरा दिल चीख जाए क्यों हो गए हो पर आए तुम ही से बस था मेरा ये क्यों मेरी रुचि खजा ये क्या था भाई ये क्या एंडिंग थी भाई गाने की लड़की को पहले पार्ट में कैंसर है दूसरे में ये पागल हो जाता है और एंड में दोनों टपक भी जाते हैं अबे भाई थोड़ी अच्छी एंडिंग कर देते वैसी दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है बहुत सैड है ओ भाई साहब वाह 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 एंडिंग कैसी थी भाई एंडिंग अच्छी नहीं लगी मेरे को रोना आ गया भाई बट बहुत इमोशनल वीडियो है यार क्यों तेरी याद ये तड़पाए तेरे होके हो ना पाए साहिबा भाई क्या एंड नोट पे छोड़ा ये वीडियो दोनों को टपका दिया भाई पहले तो उसको पागल कर दिया पहले तो लड़की को कैंसर हुआ फिर वो पागल हो गया एंड में टपका डाला दोनों को अबे कितना इमोशनल वीडियो था यार बहुत अच्छा वीडियो था मेरे तो आंसू आ गए थे ऑलमोस्ट रोक लिए मैंने अच्छा वीडियो था बट सबसे बेस्ट मुझे पता क्या लगा है UK07 राइडर ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है यार एक तो बहुत जेन्यून रिएक्शंस दिए हैं इसने एक्टिंग के एंड वो जो पागल वाला पार्ट था ना वो भी अच्छा किया उसने बहुत ब्यूटीफुली किया उसने यार वाओ बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी मेरे को एंडिंग इसलिए अच्छी नहीं लगी बिकॉज एवरीवन वांट्स अ हैप्पी एंडिंग राइट मतलब इन रियल लाइफ के बारे में भी बात कर रहा हूँ सबको हैप्पी एंडिंग चाहिए किसको सैड एंडिंग चाहिए भाई सबकी लाइफ ऑलरेडी सैड रहती है चलो ठीक है क्या कर सकते हैं भाई जो बना दिया लेकिन बहुत प्यारा था बहुत अच्छा था और आपका क्या ओपिनियन था इस वीडियो के बारे में प्लीज़ मुझे बता देना दोनों पार्ट बहुत बढ़िया थे सिंगर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कहा था कि दोनों सिंगर्स बढ़िया काम किया है दुबई में शूट किया है शॉर्ट्स भी अच्छे हैं लेकिन भाई UK07 की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और केमिस्ट्री तो आई थिंक ये सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या मुझे कंफर्म करना है या कोई शादी वादी हो गई है मैं इतना देखता नहीं हूँ व्लॉग्स तो मुझे इतना आइडिया नहीं आप लोग को ज़्यादा पता होगा तो प्लीज़ आप मुझे कंफर्म कर देना एंड कलम इंग का रियल नेम भी मुझे बता देना मुझे इसका पता है इसका नाम तो अनुराग है भाई 5 में से 5 स्टार दूंगा बहुत बढ़िया था थोड़ी एंडिंग चेंज होती तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि अब दोनों ही मर गए हैं क्या कर सकते हैं वो तो चलो वैसे भी मरने वाली थी कैंसर था उसको ये तो हाफ मैड पागल ही हो गया था तो इन्होंने सोचा दोनों को टपका डालते भाई यूजलेस हो चुके दोनों मार दो नहीं क्या था ठीक है एनीवेज कोई बात नहीं भाई चलता है कभी कभी ऐसा आपका क्या ओपिनियन मुझे कमेंट में बताना अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मैं आपके लिए मजेदार जेन्युइन और एंटरटेनिंग वीडियोस लाता रहूंगा मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय